नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं, ये है रीट 2019 शिक्षक भर्ती 3 महत्वपूर्ण टॉपिक पर। कैसे करें हर विषय की तैयारी, सारे विषय साथ पढ़ें या अलग अलग, मन में आ रहे कुछ सवाल व उनके जवाब। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा वो रीट अभ्यर्थी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड दोनों के लिए उपयोगी रहेगा। बहुत अच्छा वीडियो बनाया गया है, इसमें क्या है आपको भी सारे डाउट क्लियर करूंगा जो आपके मन में आते रहते हैं। और आप ये भी सोचते रहते हैं यार अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ें, एक साथ पढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें, जो आपके कंफ्यूजिंग डाउट्स है उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, जिससे कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो दोस्तों, और आप हर पॉइंट को डिटेल से देखें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाने पर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचती है। देखिए दोस्तों, पहला जो हमारा है वो है कैसे करें हर विषय की तैयारी। तो दोस्तों, इस पर जो है पहला मेरा पॉइंट रहेगा वो रहेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के समझ आधारित क्वेश्चन का अभ्यास। दोस्तों, आपको पता है कि पीछे जो भी एग्जाम है रीट का, अभी 2016-17 में हुआ था, उससे पहले जो एग्जाम हुआ था 17 वाला और उससे पहले 15 वाला, दोनों एग्जामों में आपको अप्लाइड क्वेश्चन देखने को मिले थे। अप्लाइड क्वेश्चन यानी समझ आधारित क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपकी क्या समझ हो। दोस्तों, आजकल ऐसे क्वेश्चन सीधे नहीं पूछे जाते हैं कि अधिगम की ये परिभाषा किसने दी, अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, ऐसे क्वेश्चन नहीं। दोस्तों, वो आपको एक उदाहरण देकर फिर उससे पूछेगा कि बताओ ये किस सिद्धांत का उदाहरण है, या आपको परिभाषा भी देगा तो मतलब अटपटी, मतलब उलझाने वाली, ऐसी मतलब आपको सोचने पर मजबूर कर दे, ऐसी परिभाषा देगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ कि आप जब भी बाल विकास या शिक्षा साइकोलॉजी की तैयारी करते हैं तो हर जो चैप्टर है जिसको आपने पढ़ लिया, जैसे आपने अधिगम चैप्टर पढ़ लिया, तो उसके बाद आप कोशिश कीजिए अधिगम के अप्लाइड क्वेश्चन हल करने की, जिससे क्या आपका अभ्यास अभी से बना रहे दोस्तों अप्लाइड क्वेश्चन अभ्यास करने। और जब तक एग्जाम आएगा दोस्तों, आप अप्लाइड क्वेश्चन के पूरे आदि हो जाएंगे कि भी ये क्वेश्चन किस प्रकार पूछ ले, ऐसे भी पूछ ले वैसे भी पूछ ले, यानी तीनों चारों टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए आपको समझ आधारित क्वेश्चन अभ्यास करना चाहिए। दो नंबर पॉइंट है हिंदी, संस्कृत और भाषा की शिक्षण विधियां विषय अनुसार अवश्य पढ़ें। यानी हिंदी की, संस्कृत की, अंग्रेजी की, उर्दू की, पंजाबी, सिंधी, जो भी आपकी भाषा है उसकी शिक्षण विधियां दोस्तों आपको बहुत बारीकी से पढ़नी है, क्योंकि शिक्षण विधियों से क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, और अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, और शिक्षण विधियों में ही क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। व्याकरण में हमारे क्वेश्चन कम गलत होते हैं, शिक्षण विधियों में ज़्यादा चांस। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप शिक्षण विधियों का व्याकरण के साथ अभ्यास करें, उनके क्वेश्चनों का अभ्यास करें और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है स्तर जो है बढ़ाते रहें। तीसरा पॉइंट है सामाजिक के अलग अलग भाग का अभ्यास करें। आपको सामाजिक के अलग अलग भाग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपकी पॉलिटिकल और शिक्षण विधि, चार पार्ट बांट लें, चारों को अलग अलग पढ़ें। पहले आप हिस्ट्री का जितना भी पार्ट है, चाहे वो राजस्थान की हिस्ट्री है चाहे इंडिया की हिस्ट्री है, उसको अलग करें। फिर इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी इसमें शामिल है, उसको अलग करें। और फिर पॉलिटिकल का पार्ट करें और उसके बाद आप शिक्षण विधियाँ पढ़ें। तो इस हिसाब से आप इनको अलग अलग करके पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। और लेवल फर्स्ट वाले लिए कहना चाहूँगा कि आप पर्यावरण और गणित का इस हिसाब से अभ्यास कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर दो आता है एक साथ पढ़ें या अलग अलग। तो एक पहली बात यह है कि हर विषय के आपको अलग अलग तैयारी करनी। दूसरी बात यह है कि दो विषय आप साथ पढ़ सकते हैं, यानी आप जब तैयारी कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं कि अपने टाइम टेबल में आपने, जैसे आप टाइम टेबल बनाते हो, आपका जैसे टाइम टेबल है, तो आप ऐसा नहीं कि एक घंटा आपने साइको को दिया, एक घंटा आपने हिंदी को दिया, एक घंटा आपने संस्कृत को दिया, एक घंटा SST को दिया, तो चार सब्जेक्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं करके आप जो हैं दो घंटे साइको, दो घंटे हिंदी और दो घंटे संस्कृत ऐसे लेके चले, या आप हिंदी या संस्कृत में से एक चुन सकते हैं। ठीक है, आप जो है दो विषय एक साथ पढ़ेंगे, या जिस साइको आप साथ पढ़ सकते हो उसके साथ आप हिंदी पढ़ सकते हो, तो या आप साइको, हिंदी और संस्कृत तीनों को साथ पढ़ सकते हो। इससे आपके ये रहेगा कि दो भाषाएँ और एक साइको, तीन क्लियर हो जाएंगे, यानी 30-60-90 नंबर का आपका काम चल रहा है। जब इन तीनों को आप कंप्लीट कर लो उसके बाद आप SST की तरफ बढ़ो, अकेली SST की तरफ, क्योंकि उसके खुद के चार पार्ट हैं उनको आप क्लियर करो, जिससे क्या है आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी दोस्तों, बहुत उपयोगी होगा। अब हमारे मन के पांच सवाल,
पहला सवाल सबसे बड़ा हर विद्यार्थी के मन में आता है, भर्ती कब होगी? ये हर विद्यार्थी के मन में अभी भी सवाल चल रहा है कि रीट होगी कि आरटेट होगी कि थर्ड ग्रेड का एक और पेपर होगा कि वेटेज आएगी कि और भर्ती क्या होगी प्रक्रिया। तो दोस्तों भर्ती कभी भी हो, आपको चाहे भर्ती 20,000 की हो चाहे 10,000 की हो, कितनी भी हो दोस्तों, आपको अपनी एक सीट श्योर करनी है। इसलिए आप भर्ती की चिंता न करके अपनी तैयारी की चिंता कीजिए। आपको ये सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि भर्ती कब आएगी, ये सोच रहे हैं कि मैं सिलेबस कब कवर करूँगा, यानी पूरा सिलेबस मैं कब तक कवर कर लूँगा, कब तक मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा, कब तक मैं इस पूरी प्रक्रिया को समझ लूँगा, दो दो तीन तीन बार मैं मेरा सिलेबस कर दूँगा, उसके बाद भर्ती कभी आए। आपको ये सोचना है कि मेरा सिलेबस कब कंप्लीट होगा, इस पर फोकस कीजिए। दूसरा पॉइंट है पोस्ट। दोस्तों पोस्ट के चक्रों में ना जुड़िए, आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। आपको ये कोई मतलब नहीं है कि 5,000 पोस्ट आती है कि 500 पोस्ट आती है कि 5 पोस्ट आती है। आपको ये सोचना है अगर 20,000 पोस्ट आ जाए तो आपको यही रखना है कि 19,999 पोस्ट आई है, एक तो मेरी पक्की है, यानी अपनी पोस्ट पक्की रखिए। इसके लिए आपको भयंकर और मेहनत भरी तैयारी करनी, इसलिए पोस्ट की सोचते न होते हुए आप तैयारी करें। तीसरा जो पॉइंट है हमारा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास कभी नहीं मत खोइए दोस्तों। अब बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं वो सोचते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, वो सोचते हैं यार वो तो जयपुर में पढ़ रहे हैं, वो जोधपुर पढ़ रहे हैं, वो वहाँ पढ़ रहा है, वो वहाँ पढ़ रहा है, और मेरा क्या हुआ? नहीं दोस्तों, तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी का सिलेक्शन होता है, मेहनत बेकार नहीं होती दोस्तों। बहुत कम चांसों में मेहनत जो है कोई एक दो पॉइंट नंबरों से रह जाता है, तो वो भी उसको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए दोस्तों, जो पीछे बीत गया उसको नहीं सोचें, नहीं आगे सोचें, वर्तमान में जिए, आत्मविश्वास बनाए रखें। चौथा पॉइंट है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी आपको बहुत जरूरी दोस्तों। आपको ये जरूरी नहीं है कि आप लक्ष्य की गाइड लें और पूरी को उसको पढ़ दें। आपको कोई लक्ष्य पर PhD नहीं करनी है, आपको सिर्फ उन पॉइंटों को देखना है जो आपके काम के हैं। आपको ये मतलब नहीं है कि जैसे गुप्त काल दे दिया या मौर्य काल दे दिया तो उसके अंदर आपको पूरा मौर्य काल पढ़ना जरूरी नहीं है। आपको उन पॉइंटों को देखना है जो आपके पेपर की दृष्टि से उपयोगी है। जरूरी थोड़ी है कि हर एक गाइड में जो है वो बहुत सारी डिटेल दी होती है, लेकिन आपको उन चीज़ों को पढ़ना है जो आपको लगे कि आपके हिसाब से आ सकते हैं, और उसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको जो सिलेबस है और पीछे के जो पेपर है उनका स्टैंडर्ड देखना होगा कि किस स्टैंडर्ड से पेपर बने हैं, उस हिसाब से आप तैयार करिए। लास्ट और फाइनल पॉइंट, कॉन्फिडेंस स्टडी विद डेडिकेशन। आत्मविश्वासी अध्ययन, लेकिन इतने दृढ़ निश्चय के साथ, पूरे समर्पण के साथ आपको तैयारी करनी है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा, उपयोग करता हूँ आपके लिए, बहुत ही मोटिवेशन वीडियो रहेगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।